खरगोन जिले में 9.5 करोड़ से निर्मित कुंदा नदी पर बने पुल का आज लोकार्पण किया गया, जिसमें क्षेत्रीय सांसद गजेंद्र पटेल, विधायक रवि जोशी, झुमा सोलंकी, केदार डावर ने शिरकत की। हम आपको बता दें कि पिछले कई वर्षों से नदी पर बना पुल जर्जर हो चुका था, जिसमें निर्माण के लिए स्थानीय तौर पर लगातार कोशिशें की जा रही थी। इसी बीच महत्वपूर्ण सौगात लोकार्पण से लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। इस दौरान सांसद गजेंद्र पटेल ने क्षेत्रवासियों को अनुपम सौगातों की शुभकामनाएं भी दी है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। मुझे लगता है कि खरगोन जिले के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। यह सौगात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी, क्षेत्र के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री माननीय बालकृष्ण जी पाटीदार जी के, भारतीय जनता पार्टी संगठन के द्वारा अथक प्रयासों से पुल का निर्माण हुआ है। मुझे लगता है कि इसके पहले भी कई सरकारें रही है, जिस समय खरगोन में एकमात्र पुल हुआ करता जो आज जर्जर पे हो गया, जो आज चलने लायक स्थिति में नहीं है। विगत कई वर्षों से खरगोन क्षेत्र की जनता की मांग भी कर रही है। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री संवेदनशील मुख्यमंत्री है, उन्होंने इस बात को माना और पिछले वर्ष की सरकार में 2018 में 9.5 करोड़ रुपये से स्वीकृत यह पुल का आज हम लोकार्पण करने आए हैं। निश्चित तौर पर खरगोन क्षेत्र की जनता को बहुत बधाई देता हूँ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी का भी हृदय से आभार। ये पुल में भारी वाहनों का आवागमन भी होगा, सारा कुछ आवागमन होगा, या लाइट की व्यवस्था कब तक हो जाएगी? मुझे लगता है कि ये पुल खरगोन जिले का महत्वपूर्ण पुल है। ये खंडवा को भी कनेक्ट करता है, ये बड़वानी को भी कनेक्ट करता है, ये कसरावत को भी कनेक्ट करता है। ये खरगोन शहर के चारों तरफ से कनेक्ट करने वाला मार्ग है और इसलिए यहाँ पर भारी वाहन भी चलेंगे, हल्के वाहन भी चलेंगे। ये इस पुल की क्वालिटी, इस पुल का जो टेंडर है, उस प्रकार से बनाया गया कि आने वाले भविष्य में ये पुल इस मजबूती से खड़ा रहे। और इसलिए इस पुल पर अभी हमने सर्वे भी किया, सर्वे में ध्यान में आता है कि यहाँ पर लाइट अभी लगी नहीं है। इसलिए मैंने संबंधित अधिकारियों को कहा है कि आप लाइट का एस्टिमेट बनाइए, बजट बनाइए, इसमें जो पैसा बचेगा, जो पैसे की जरूरत होगी, हम यहाँ पर लाइट भी लगाएंगे, क्योंकि ये पुल इस खरगोन का सौंदर्यीकरण का भी पुल है और महत्वपूर्ण पुल भी। निश्चित तौर पर यहाँ लाइट बहुत। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।